नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज एक बार फिर सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक नमस्कार। स्वागत सर, क्योंकि हमारे पास बहुत से नए स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि इससे उन्हें बहुत हेल्प मिल रही है कुंडली देखने में, बहुत अलग ज्यादा। तरीका है ये, बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारे भावों की सीरीज में नवम भाव है सर, तो आज आपके खजाने में से क्या निकल रहा है सभी नहीं लोग नहीं जानना खजाना चाहते क्या हैं। है, मैं तो इसके लिए कोई है नहीं, सोचना नहीं पड़ता है, जी ये तो एक एप्लीकेशन है। आप अगर एक भाव को समझ लेते हैं और ये मेथड समझ लेते हैं तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है उसको, नहीं और सर, कुछ नहीं है। आपके टिप्स भी बीच में जो रहते हैं वो बड़े कमाल के बिल्कुल रहते हैं ठीक उस है। भाव के लिए। अभी जैसे नवम भाव है आज, जी तो सब लोग परिचित है भाई, नवम भाव क्या है? पिता का है, धर्म का है, लॉन्ग जर्नी का है, लॉन्ग ट्रेवल्स का है, जी ठीक है। तो वो सब इसमें आते हैं, तो ये तो लगन से हम देखेंगे, जी ठीक है। अब हमारा जो मेथड है, हम क्या करते हैं, हर दूसरे अलग अलग और भावों से ये कौन सा भाव है और वहां पर धर्म किस तरह से काम करे, क्योंकि हमारा नवम भाव है, हमारा धर्म और लंबी दूरी की यात्रा, ये सब यहां से आता है। और नवम भाव सबसे बलि त्रिकोण है ऐसा कहते हैं, 1, 5, 9 में सबसे बलि त्रिकोण है, और दशम भाव सबसे बलि केंद्र है, ठीक है जी। तो इस तरह से उसको लेके चलते हैं। अब दूसरे भाव से देखो इसको, तो हमारा जैसे मेथड है, दूसरे भाव से ये 8वां है, तो मेरे परिवार की ऑब्स्टेकल्स, मेरे विचार, मेरी वाणी, उसकी ऑब्स्टेकल, वो है ना 8वां भाव हो गया, ऑब्स्टेकल का हिडन हाउस हो गया। उस सिचुएशन में मेरा धर्म मेरे मेरी क्या सहायता करता है या मेरे को खराब करता है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी मेरे धन अर्जन में मेरा भाग्य क्या मेरी सहायता करता है या मुझे परेशान करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों धन के भाव हो गए, 2 और 9, इससे बनके धन योग बनता है। और धन कमाने में मैं धर्म से धन कमाता हूं या अधर्म से कमाता हूं, मेरी क्या ऑब्स्टेकल्स आती, मेरे परिवार में क्या ऑब्स्टेकल्स दी धर्म ने, वो भी दिख जाएगा, ठीक है भैया। तो इस तरह से हम चलते हैं एक एक भाव को। जी, तो सर यहाँ अशुभ ग्रह धर्म में ऑब्स्टिकल्स देंगे, कमाने में, धर्म में, परिवार में। अगर शुभ ग्रह वहां होता है जी वो अस्त हो जाता है, फिर परिवार के लिए, धर्म के लिए अस्त हो जाता है, क्योंकि वो धर्म देगा और वो ऑब्स्टेकल देगा आपको। अगर पाप ग्रह होगा वो कहेगा करता रहे यार, तो मजे कर, चाहे पाप से धन कमा, धन जी की ऑब्स्टेकल्स जो है ना। जी जी अब तीसरे भाव पे आ जाओ। जी तीसरा भाव मेनली अगर मैं खुद की परिभाषा देखता हूं तो मेरा 7वां भाव है, ये तीसरा भाव है करेज का, छोटे भाई बहन का। तो यहां से एक तो मैं छोटे भाई बहनों के पति पत्नी को देख सकता हूं, और उसकी पति पत्नी मेरे लिए धर्म का पालन करती है या नहीं, छोटे भाई बहन की। बिल्कुल
या मेरे करेज की शक्ति क्या है जो मेरा धर्म है। आप जो करेज है अगर उसमें आपका धर्म साथ देता है जो आपकी शक्ति है, अब साहस के लिए आपकी शक्ति है ये और आपका धर्म है, तो बढ़िया हो जाता है ना। तब मैं करेजियस हो जाता हूं। अगर नाइन्थ हाउस मेरा बली है तो मेरा करेज बढ़ जाता है। तो यहां पर अगर शुभ ग्रह आ गया तो मैं करेजियस हूं। खाली रहे तो भी बढ़िया है भाई, नवम भाव तो। अब चौथे से ले लो, फोर्थ हाउस से ये छठा है। मेरे परिवार का, मेरी माता का, मेरे घर मकान का, इन चीजों का, उसमें जो अड़चन आती है या मैं कितना करता हूं उसमें, काम कितनी एफर्ट से करता हूं, उसमें मेरा धर्म काम आ रहा है या नहीं। मतलब माता की सेवा करता हूं या नहीं, ये भी ये दिखा देगा। ठीक है, अगर ये भाव बली है, एजुकेशन के लिए क्या ये आगे ले जाएगा या प्रॉब्लम देगा? किसके लिए? एजुकेशन के लिए। चौथा भाव तो प्राइमरी एजुकेशन है। जी सर। उसको हम वो नहीं, हम ज्यादा देखेंगे इसमें मेरा सुख। जी। मेरे सुख में, मेरे सुख के लिए जो व्यवधान, जो बीमारियां आती हैं, मेरे जो सुख के शत्रु हैं, वो क्या धर्म का पालन करते हैं? समझ गए ना, ये धर्म है। किसका धर्म? जिस जिस भाव से वो भाव वो आ रहा है, चौथे भाव से मेरे शत्रुओं का धर्म क्या जी? सीधे भाव जी। और बलि हो जाए तो, सॉरी हैं, बलि आप कह रहे थे, बलि हो जाए तो नवम भाव। अगर नवम भाव बलि है तो मेरे सुख में व्यवधान डालने के शत्रु बलि हैं। जी। मेरे रोग मेरा सुख में ज्यादा व्यवधान डालते हैं। ठीक है ना। अब पांचवें भाव से ले लो भाई। पांचवा भाव है मेरा इंटेलिजेंस का, मेरे बच्चों का। पांचवें से पांचवा है ये, तो पांचवें का तो भावात भाव है ये, मेरे बच्चों का रिफ्लेक्शन। वहां पर मेरा धर्म कितना उनकी सहायता कर रहा है भाव। अब देखो ये मेरा धर्म है और मेरे बच्चों का भावात भाव में, तो मेरे धर्म की वजह से मेरे बच्चे, मेरी बुद्धि आगे बढ़ती है या नहीं। अब अगर मान लो पंचमेश आकर के नवम में बैठ जाए तो अच्छी पोजीशन मानी है ना, कि संतान अच्छी होगी। भावात भावम का लॉर्ड भावात भावम में पहुंच गया तो वो फ्यूचर में भी अच्छा सपोर्ट करेंगे। फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में आ गया तो मेरे बच्चे फ्यूचर में भी मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा धर्म ठीक था, धर्म का निर्वाह करेंगे पिता। हाँ। संतान के संबंध। उसके बाद छठा भाव। जी। छठे भाव सुख। छठे भाव से चौथा हो गया, सुख का हो गया जी। तो छठे का सुख मतलब मेरे मैटरनल साइड, अगर वो लो आप, मेरे दुश्मन, मेरे रोग वगैरह का सुख, रोग का सुख, उसमें मेरा धर्म काम आता है या नहीं। मैं अपने रोग में भी सुख लेता हूं या नहीं अपने धर्म से, कि हाँ भाई ये तो होना है यार, मैं उसको मानता हूं। ठीक है।
ठीक है, इस तरह से आ जाता है। जो भी ले लो, ऋण ले लो, ऋण का सुख मैं किस तरह से उस ऋण का भी सुख ले सकता हूं या नहीं, पैसे मारने हो जी सर, मैं वही सोच रही थी, वही सोच रही, ऋण लेके और सुखी हो जाता हूं, खुद सुखी और देने वाला दुखी है, देखने वाला दुखी जी। ठीक है, तो ये ऋण लेकर के सुख योग का भी भाव है जी। अब सातवें भाव से ले लो, सातवां भाव जो आपके संबंध में लोग आते हैं, पति पत्नी भी कह सकते हैं, मोटी लैंग्वेज में तो वो ही बोलेंगे ना सब, वहां उनका एफर्ट, उनकी उनका करेज, क्या वो मुझे उनका करेज मेरे धर्म को कष्ट पहुंचाएगा या उनके करेज से मेरा धर्म बढ़ेगा जी। ठीक है, आपका जो धर्म है और जो आपका पार्टनर आया, आप कहते हो भाई मैं तो वेजिटेरियन हूं, टोटल प्याज को भी हाथ नहीं लगाता, और पार्टनर जो आपके सगे संबंधी हैं उनका साहस कुछ और है जो आपके धर्म के विरुद्ध है या नहीं है, इसीलिए यहां पर पाप ग्रह काफी खराब माना गया है। स्पेशली अब काल पुरुष की अगर कुंडली देखो तो नवम भाव पिता का भाव है, और वहां पर अगर शुक्र बैठ जाए जाकर के थर्ड का लॉर्ड जी, तो आचरण बिगाड़ दिया पिताजी का, एफर्ट बिगाड़ दी, करेज बिगाड़ दिया, और अगर कारक भी वहां बैठ जाए सूर्य, ये मुझे कैसे याद आ गया अभी जी, 72-73 की बात है, जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो हमारे जो भाटिया साहब थे जिन्होंने काफी कुछ सिखाया है मेरे को, क्योंकि मैं सुनता था उनकी और मानक चंद जैन की बैठ करके, तो उन्होंने कहा कि अगर नवे भाव में सूर्य और शुक्र आ जाए तो पिता के ऊपर करप्शन केस आ जाता है, अच्छा उनकी एफर्ट खराब हो जाती है पार्टनर्स की वजह से, संगे साथियों की वजह से, और उनके ऊपर केस चलता है। ठीक है, तो मेरे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी जी। तो भाई सब करते हैं, ज्योतिषी के पास भी गए वहां मथुरा में कि भाई सामान मिल जाएगा चोरी का या नहीं, या चोर पकड़ा जाएगा, पूछने पहुंचे थे, तो पंडित जी ने पता नहीं क्या क्या बताया था, इतना तो याद नहीं है, और फिर वो कुंडली अपनी उनकी लगी हुई थी, वो बात कर रहे थे किसी से उसकी कुंडली में, तो मेरे को वो शुक्र और सूर्य दिख गए उनके नवम भाव में जी। गया तो मैं पूछना था, पता नहीं मेरे मुंह से निकल ही गया, मैंने कहा पिताजी के ऊपर तुम्हारे कोई फ्रॉड का केस हो गया था भाई साहब, आग बबूला हो गए, मेरे पिताजी गलत नहीं थे, औरों ने फंसा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, है नहीं जी सर। चलो ये तो मतलब कुछ ऐसे टोटके होते हैं ना, याद में जाते हैं जी सर। अब चाहे मैं ना उसको इतना अप्लाई करूं जी, पर हाँ शुरू शुरू में तो कर दिया था। अब दूसरा आठवां भाव ले लो जी, आठवें भाव से ये दूसरा भाव है जी। अब ये है आपकी समाधि का भाव, आपकी रिसर्च का भाव, हिडन भाव, तो आपके हिडन टैलेंट की शुरुआत कैसे होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, आपके अंदर ये आठवां भाव जो है हिडन टैलेंट का होता है, वो कहां से उठता है, नवम भाव से,
तो नवम भाव में अगर शुभ ग्रह है या उनकी दशा जल्दी आ जाती है नवमेश की या नवम भाव में जो ग्रह है, तो आपके टैलेंट बहुत जल्दी उभर के आ जाएंगे। तो कहते हैं ना कि बहुत ही ये तो ऐसा बच्चा है कि पता नहीं पिछले जन्म से ही सीख के आया है। ऊंट के पांव जिसको बोलते हैं, वही मतलब जीनियस जिसको बोलते हैं जी, या खराब संस्कार खराब हो, ये संस्कार की शक्ति भी है जी सर। संस्कार खराब हो अच्छे हो और नाइन्थ लॉर्ड की दशा आ गई तो आपके अच्छे संस्कार बाहर निकल के आ जाएंगे। लोग कहेंगे यार ये तो बिरलों में एक है। तो नवम भाव को अष्टम से मैं इस तरह देखता हूं okay. कि आपकी टैलेंट, आपकी हिडन चीजें इस दशा में आती हैं। ये दशा हो या अंतर दशा हो, ज्यादातर अगर शुरू में ही दशा आ जाए ना वो बहुत बढ़िया है, नाइन्थ हाउस में। ठीक है, इसके बाद नाइन्थ हम देख ही चुके हैं, लगन से नाइन्थ है जी। अब दशम भाव आ जाओ जी, दशम भाव से ये ट्वेल्थ है, मतलब आपके कर्मों की हानि। पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट भाव भी है नाइन्थ हाउस, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, कर्मों की हानि, मतलब इनका पता चलता है कि नाइन्थ में आप अपने कर्म भूल करके धर्म की तरफ चले जाते हैं। मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि कर्म तो चलता है परंतु घूस नहीं आती, रिश्वत नहीं मिलती, खराब पैसा नहीं मिलता, क्योंकि ये कर्मों का, जो आप गलत कर्म करना चाह रहे हो उनकी हानि है जो आपको धर्म की तरफ ले जा रही है। लोग इसको कहते हैं कि प्रसिद्धि मिलती है, तुमने भी लिखा है प्रसिद्धि, इसीलिए पढ़ के बता रहा हूं जी सर। ये प्रसिद्धि दशम भाव से मिलती है जी, तो प्रसिद्धि का तो लॉस है एक तरह से दशम से देखें तो, पर इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो प्रसिद्धि दे देता है आपके बगैर चाहते हुए भी। नाइन्थ हाउस जो है वो कर्म की हानि का किस तरह का भाव है कि मैं जो नहीं चाहता हूं और हो जाता है जी। ठीक है, तो ये है यहां दशम भाव सर। इसमें इसको फिर भाग्य की हानि तो नहीं करेंगे, क्योंकि भाग्य भी है। भाग्य की हानि नहीं है, कर्म की हानि है। हाँ, क्योंकि कर्म और भाग्य का संबंध, कर्म की हानि जी, और मैं भाग्य में धर्म में चला गया जी। कर्म आप जो एक्शन करते हो, धर्म जो आप बगैर सोचे समझे कर लेते हो जी, वो इम्बाइब्ड होता है आपके अंदर, घुसा हुआ होता है कर्म, तो कर्म की लॉस धर्म उठ के आता है उसकी। बहुत बढ़िया। अब एकादश भाव से एकादश है ये। हाँ जी, ठीक है, एकादश से एकादश, तो भावात भाव में जी। अब यहां से आप अगर ये देखो कि बड़े भाई मेरे लाभ मेरा लालच, तो ये बढ़ जाता है अगर इलेवंथ लॉर्ड जाकर के नाइन्थ में बैठ जाए और नाइन्थ लॉर्ड इलेवंथ में हो तो लालच बढ़ा देता है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म और एकादश का संबंध नहीं आना चाहिए, इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है जी। ठीक है ना जी।
क्या बोल रहा था मैं, 11वें भाव का, 11वें भाव का, ठीक है, तो इच्छाएं बढ़ जाती है जी। हाँ जी, तो सर ये त्रिक से त्रिक होके भी कुछ विपरीत राजयोग में आएगा? नहीं आएगा, नहीं 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 विपरीत यहां से नहीं आता जी सर, वो तो 6-8 से ही आएगा। 6-8 से आता है, 3-6-8 विपरीत भाव है, 3-6-8-12, 11 त्रिषडाय है जी सर। तो 11वें भाव से 11वां है, त्रिषडाय से त्रिषडाय है। अगर 11वें भाव के लॉर्ड की दशा चल रही हो और 9th हाउस की अंतर दशा चले, वहां से त्रिक हो गया, पर ये त्रिषडाय हो गया जी सर, तो लोग कहेंगे बढ़िया बढ़िया दशा है, ये खराब कर देगी। ओके, डबल त्रिषडाय हो गया ना जी सर, जी सर जी। या अब एक यहां पर थोड़ा सा बचाव हो जाता है, क्योंकि 9th का मालिक जो होगा, जो लॉर्ड होगा, वो हमेशा लगन का मित्र होगा जी, लगन का फ्रेंड होगा, हाँ। तो बचाव हो जाता है उस अंतर दशा में, क्योंकि सर। वो लगने लग्नेश के मित्र की दशा होती है जी सर। अगर वो वहां पर जो ग्रह कोई अगर बैठा है 9th हाउस में, जो लग्नेश का शत्रु है, वो बंटा डाल कर 11th की महादशा में जी सर जी, अगर शत्रु बैठा है जी। तो मैं पहले वो बोल गया था त्रिषडा से त्रिषडा जी सर, लॉर्ड नहीं, 11th में जो कोई ग्रह बैठा है जी और 11th की महादशा है, वो गड़बड़ कर गया। ओके, इसके बाद आ जाओ 12वें भाव से, ये बढ़िया हो गया जी, ये बढ़िया हो गया। 12वें भाव से ये दशम है जी, मतलब विदेश का व्यवसाय कैसा चलेगा। ओके, विदेश में मैं अपने व्यवसाय में धर्म का पालन करता हूं या नहीं, अगर मैं धर्म का पालन करता हूं तो मेरा ठीक चल रहा है व्यवसाय जी, अपने धर्म का पालन करता हूं, अगर नहीं करता हूं तो मेरा व्यवसाय गड़बड़ हो जाती है। विदेश में स्पेशली जी, अगर मैं बाहर किसी कंट्री में चला गया और वहां मैंने धर्म का पालन नहीं करा तो साले जेल में जाएगा तो, जी है नहीं जी सर। तो हमारा तो तरीका वही है भैया, हर भाव से उससे जो ये नवा भाव बनता है उसका धर्म क्या है। 12वें से व्यवसाय जी सर जी, व्यवसाय का धर्म जी, कहाँ का व्यवसाय, 12वें भाव का व्यवसाय, भाव का व्यवसाय जी, जहां से विदेश का व्यवसाय जी। तो यही है भैया हमारी तो थ्योरी सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सर, एक चार्ट पर इसको लगा के देखो, ये भी करना है, चलो करो भाई। अब 9th हाउस में देखो जी सर, पहले तो उसी को कर लेना जी सर, मंगल की दृष्टि है, मंगल मित्र दृष्टि से देख रहा है, धन भाव से, और मंगल योग कारक है जी सर, तो 9th हाउस बलि हो गया जी, पिता का भाव बलि हो गया, ठीक है। धर्म का भाव बलि है या नहीं वो बात अलग है, क्योंकि अब 9th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है। जब भी 9th लॉर्ड 6th लॉर्ड या 9th लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो जाए तो अच्छा नहीं माना गया है, ओके, खास तौर से 6th लॉर्ड जी। इसके बाद आ जाओ 2nd हाउस जी। अब 2nd हाउस से ये 8वां है, मेरा धर्म मेरे परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मेरा साथ देता है या नहीं देता है, बलि है, ठीक है,
तो मेरा धर्म मेरा साथ दे जाता है जो मैं मान करके चला हूं अपने धर्म को, जी चाहे मेरा धर्म कुछ भी है। अब तीसरे भाव से देख लो, छोटे भाई बहन मेरा करेज बली है भाई साहब, छोटे भाई बहन तो नहीं है पर करेज बली है। छोटा भाई हुआ था पर वो दो चार दिनों में ही उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है जी, तो ये यहां पर अब क्या हो जाएगा कि अब जो है मंगल शत्रु हो गया तीसरे भाव के, वहां पर अब हाँ अब उसका शत्रु हो गया जी। बारहवें में बैठ के सप्तम उसको देख रहा है नवम भाव जी। अब आ जाओ चौथा, चौथे के लिए भी ये मेरा जो मंगल है ये मारक हो गया जी, मेरे लिए मारक नहीं है, चौथे के लिए मारक है, चौथे के लिए मारक है, प्रबल मारक है जी। हाँ, और यहां से जो माँ की बीमारी वो तो सबको पता है, सर्वविदित है, बहुत जल्दी उम्र में 36 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो गई थी जी। ठीक है जी। पर इसने सेवा की जी, मेरा जो धर्म था वो मैंने निभाया और माँ के लिए ये मंगल मारक था, मेरा धर्म भी मारक हो गया माँ के लिए, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में वो बोलते ना कितनी बार उठा कर ले कुछ नहीं होगा जी। अब पांचवा भाव जी, यहां से ये पांचवा है जी, और जो पंचमेश है वो देख रहा है बैठा नहीं है वो, हाँ। तो मेरा धर्म मेरे बच्चों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ, बच्चों को बढ़ाया मैंने, उनको लुक आफ्टर किया, उनको आगे बढ़ने में मदद की जी। ठीक है, नहीं तो वो कभी बढ़ सकते थे इधर अगर इसकी पोजीशन नहीं होती तो। बिल्कुल। अब छठे भाव शत्रुओं से ले लो जी, शत्रुओं के सुख का साहस, सुख का धर्म, उनको मेरा धर्म सुख देता है या नहीं। अब यहां से फिर चंद्र जो मंगल है वो भाई साहब 12th लॉर्ड भी है और 5th भी है, यहां से शत्रु हो गए जी सर, और वो मेरे धर्म को देख रहे हैं जी सर, शत्रुओं को मैं सुख देता हूं, शत्रुओं को भी सुख देता हूं, परंतु 12th लॉर्ड होने की वजह से उनको हानि भी करता हूं, अपने शत्रुओं की इंटेलिजेंस का लॉर्ड है जी सर, शत्रुओं की इंटेलिजेंस के हिसाब से मैं उनको लाभ देती हूं या हानि जी, ठीक है ना जी सर, थोड़ा डिफिकल्ट है ये समझने में, नहीं आया सर, क्योंकि छठा भाव रोग रिपुर इनका है और उसका सुख धर्म 9th है और इसका 12th मंगल और 5th भी मंगल है जो इसको दे रहा है। ठीक है जी सर, अब 7th भाव से ले लो भाई जी, 7th भाव से ये तीसरा है जी, धर्म मेरे पार्टनर्स के लिए मैं कितना धर्म का पालन करता हूं, पार्टनर्स के किसके लिए, लाभ के लिए और सुख के लिए, मैं मंगल सिर्फ मंगल देख लिया जी। अब यहां से 7th भाव से, क्योंकि
नवम भाव को सिर्फ मंगल ही प्रभावित कर रहा है जी सर। तो मेरे पार्टनर्स का ये मंगल सुख का भाव है जी सर, और लाभ का भाव है जी। तो मेरे साथ में जो आते हैं उनके सुख का मैं अपने धर्म से, लाभ का अपने धर्म के द्वारा ध्यान रखता हूं जी। ठीक है ना जी सर। फिरोज गांधी को भी एमपी बनवा लिया और जो चमचे आए जितने भी कांटेक्ट में जो उनको मैं लाभ दे देता हूं जी सर। अब टैलेंट निकल के आने की आठवें भाव की बात जी सर। तो अब इलेवंथ की दशा पता नहीं अब चंद्रमा चंद्रमा की दशा में ही मंगल की दशा में पैदा हुई है जी है ना उत्तराषाढ़ा का है सर सूर्य की दशा में हुई ना है चंद्रमा उत्तराषाढ़ा का है सूर्य की दशा हाँ सूर्य की दशा में है जी। तो शनि की दशा आई नहीं तो टैलेंट बचपन में उभर के नहीं आए टैलेंट पार्टनर की वजह से उभर के आएगी टैलेंट का पार्टनर जो सहयोगी होंगे जी। सातवां है ना मंगल देख रहा है सिर्फ जी सर और मंगल यहां से सातवें में बैठा है बिल्कुल तो मेरे जो टैलेंट को मेरे और लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया बड़ा चढ़ा के दिखा दिया ना जी सर जो भी आए जी सर जी। अब दशम भाव देख लो अब दशम भाव से बारह ये दशमेश ही है लगन जी सर दशमेश भी है मंगल हाँ जी और नवम को देख रहा है जी तो मंगल की दशा में तो मेरे पास कोई काम था नहीं धर्म की तरफ चलते रहे बस विश्व भारती में चले गए इधर उधर पूजा पाठ कर ली ठीक है ना उसमें भी बेसिकली बृहस्पति मंगल बृहस्पति जी सर ये काम कर देगा वो उस समय कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आएंगी ओके ठीक है उसके बाद ग्यारहवां भाव जी ग्यारहवें से ग्यारहवां और ग्यारहवें का ग्यारहवें से ग्यारहवां मेरा धर्म बड़े या लालच या बड़े भाई बहन के प्रति मेरा धर्म अब यहां देखो भाई सातवां लॉर्ड है और बारहवां लॉर्ड है जी सर मंगल जी सर वो देख रहा है हाँ जी तो प्रति कुछ है ही नहीं धर्म निभाना ही नहीं पड़ा सबसे बड़े हैं जी वही मैं कह रहा था ना नाइन्थ लॉर्ड इलेवंथ में जाए हाँ जी या इलेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में जाए जी तो वो अच्छा नहीं होता इलेवंथ के लिए भावत भावम हाउस है जी सर तो भावत भावम का लॉर्ड भाव में आ गया तो वो सपनों में रहता है और अगर लॉर्ड हाउस का लॉर्ड भावत भावम में चला गया तो वो अच्छा हो जाता है फ्यूचर बड़ा अच्छा हो जाता है जी सर ये तो बताया था ना हाँ जी कि फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में चला जाए तो बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है हाँ जी और आपको उसका फायदा मिलता है जी। अब आ जाओ भाई साहब विदेश विदेश में कर्म जी विदेश के कर्म में मैं कितना धर्म को निभा करता हूं पूरी तरह से नहीं करता हूं स्वामी उससे बारे में मंगल इलेवंथ लॉर्ड है मंगल इलेवंथ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड जी सर छह और ग्यारह
मिथुन के लिए, तो ट्रिकरी और ये तो मैं कर लेता हूँ। हाँ जी, मंगल फॉरेन के उसमें जी सर, तो फॉरेन में मेरा जो छवि है या मेरे जो कर्म है वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट नहीं होते, समझ रहे हो तुम? जी सर, क्योंकि एक आध दफे यूएनओ से ये निकल के आ गई थी जी सर गुस्से में जी, वहां पर, तब वाजपेयी को भेजा था इसने ओके यूएन में एड्रेस करने के लिए। हाँ जी, और वाजपेयी ने कहा था नहीं, नेशनल ड्यूटी है, मैं अपोजिशन में हूं तो क्या हूं, नेशनल ड्यूटी करूंगा जाकर, मेरे को हिंदुस्तान को गाली थोड़ी देनी है। जी सर, ये सीख मिलती है ना एक सब लोगों को। हाँ जी, तो ये वहां पर इसका, क्योंकि 12वें भाव में एक तो केतु बैठ गया भाई, बिल्कुल, और वहां से जो दशम है ये नवम, तो बाहर विदेश में मेरा, मेरे कर्म में धर्म कैसा रहता है, मंगलवार देख गए जी, तो थोड़े बहुत तो कर्म खराब करेगा ही ना, जी गुस्सा दिलाएगा वहां, वायलेंस दिलाएगा, विदेश के कर्मों में वायलेंस भी आएगी, ठीक है जी सर, तो इस तरह से देखते चलते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस। चलो, तो मजा आ गया सर आज, नाइन्थ हाउस जितना इजी लगता है उतना नहीं, भैया मेथड तो मैं वही रिपीट करता जा रहा हूँ ना हर दफे, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल वही ट्रैक है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी सर, कल मिलेंगे फिर से। हाँ जी, कल मिलेंगे, दशामशा की हमारा सेकंड डे है, तो कल फिर सर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का प्यार बना रहे, अपने सुझाव देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलो, नमस्कार।